गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों ने शायद मुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देखा होगा। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे डेंगू हो गया। गाइस, एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगा, कभी भी आपको बुखार आए तो सबसे पहले जाके डेंगू का टेस्ट ज़रूर कराइएगा। बिकॉज ज़्यादातर लोग थोड़े दिन बाद, 3-4 दिन बाद जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है तभी जाके टेस्ट कराते हैं, और तब तक उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। मुझे जिस दिन बुखार आया उसी दिन जाके सबसे पहले टेस्ट कराया और शाम तक रिपोर्ट आया कि मुझे डेंगू है, और मैं तब से ही अपना ध्यान रखने लगा, लाइक प्रॉपर मच्छरदानी के अंदर सोया, डॉक्टर से सारे मेडिसिन्स लिए। बिकॉज इस टाइम पे अगर प्लेटलेट्स अगर 1 लाख के नीचे आ गया तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। अभी तो फिलहाल मेरा 1,27,000 प्लेटलेट्स है, जिससे मुझे डरने की उतनी बात नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर, बिकॉज डेंगू जब होता है 3rd-4th दिन में प्लेटलेट्स गिरना चालू हो जाता है। तो अभी कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आएंगे, वो फिर मेरा ब्लड लेंगे और शाम तक फिर पता चलेगा कि प्लेटलेट्स कितने डाउन हुए हैं। सो अभी नहाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बीमार टाइप लग रहा था। स्टार्टिंग के 2 दिन तो ऐसा लग रहा था कि मैं बेड से उठू ही नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था एंड जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन था और बहुत हाई फीवर था। अप्रॉक्सीमेट 102-103 हमेशा दिन भर वैसे ही बुखार लग रहा था, और कभी ठंड लग रही थी तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एज़ जब भी दवाई खाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस, अगर आप लोग भी डेंगू हुआ है, आपको अगर कोई भी बुखार है, तो पहले जाके टेस्ट कराइए, और उसके पहले घर पर देखिए कहीं पानी जमा हुआ नहीं है। हमेशा अपने आप को, लाइक जब भी सो रहे हैं आप, मच्छरदानी में सोइए, बिकॉज आजकल जो मैट जो रहता है गुड नाइट एंड ऑल, वो भी आजकल काम नहीं करते, मच्छर उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना और अपने फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, बिकॉज जैसे मुझे हुआ है, मेरे ब्रदर को हुआ है, तो किसी को भी डेंगू हो सकता है, और स्पेशली नागपुर में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसलिए आपको भी अपने फैमिली का और अपना ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आपको डेंगू हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया तो इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एज ज़्यादातर लोग जब भी बुखार आता है वो नॉर्मल पैरासिटामोल या फिर क्रोसिन खा के ही रहते हैं और सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी डेंगू ही चल रहा है हर जगह पे। तो अगर बुखार आए तो पहले जाके टेस्ट कराइए, और ज़रूरत पड़े तो एडमिट भी हो जाइए, बिकॉज अगर 1 लाख के नीचे प्लेटलेट्स आ गया तो फिर क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और लास्ट वीक ही मैंने एक डेंगू के ऊपर होल एंड सोल वीडियो बनाया था मेन चैनल के ऊपर, तो अगर आपको देखना है तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और मेरी लाइफ तो इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है, एज ये जो बेड है ये ही मेरा रूम बन गया, मैं बाहर घूम भी नहीं रहा हूँ, बिकॉज बाहर अगर कोई मच्छर रहा, मुझे काट लिया, तो मेरी फैमिली को भी इन्फेक्टेड हो सकती है। गाइस, काया बहुत ध्यान रख रही है 3-4 दिन से मेरा। गाइस, नागपुर में बहुत डेंगू फैल रहा है, इसलिए ध्यान रखिए। पापा और चाचू को तो हो गया, कब तक ठीक होंगे पता है तुमको? नहीं पता इसका। तुम भी बच के रहो। मैं कोई भविष्यवाणी वाली लड़की नहीं। अच्छा, तुम भविष्यवाणी वाली लड़की नहीं, ठीक है। गाइस, आज 4th डे है मेरा, और सुबह से बैक में बहुत ज़्यादा पेन है और फीवर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बैक का पेन तो एकदम बहुत ज़्यादा है। गाइस, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और डेंगू मत होने दीजिए, बहुत तकलीफ़ होती है। और मेरा प्लेटलेट पर डे के हिसाब से 18,000 के आसपास कम होते जा रहा है, अभी भी 1 लाख के ऊपर है, बट बैक पेन मुझसे भी सहन ही नहीं हो रहा। गाइस, आज है डेंगू का 5th डे एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। कल का दिन तो एकदम बुरे सपने जैसा था, एज मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था, साथ में फीवर भी था। आज फीवर नहीं है और बैकिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, साथ में एक नया प्रॉब्लम आज क्रिएट हो गया है, थोड़ी सी पूरे बॉडी में इचिंग हो रही है। आई गेस 2-3 दिन में मैं कम्प्लीटली रिकवर हो जाऊँगा। Hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. I'll see you in the next one. Peace. Walking that walk like first off, you don't run nothing.